हेलो एंड वेलकम देयर. ओके, आई एम चांदनी स्वर्णकार और हम प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे. हमने एक सीरीज शुरू की है जहाँ पे हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स कवर करेंगे. ठीक है, सबसे पहले शिफ्ट 1 2023 जो 1 मार्च को हुई है, ठीक है, उसे हम कवर करेंगे. और हर लेक्चर में 15 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे सारे ऑप्शंस को डील करते हुए. ठीक है, और मैं आपको ट्रिक्स भी बताते जाऊँगी ताकि आपको चीज़ें समझने में और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में परेशानी ना हो. ठीक है, आप मेरे लेक्चर जो हैं 5 बजे देख सकते हैं डेली. आप आइए, एक पर्टिकुलर टाइम आप डिसाइड कर लीजिए. और दूसरी जो चीज़ है मैं आपको बता दूं, आप मेरे लेक्चर्स अगर देख रहे हैं तो आप एक नोट और पेन, नोट पैड और पेन रेडी रखिए ताकि जो भी चीज़ें मैं बताऊँ उसे आप नोट करें. मैं थ्रू आउट द वीडियो आपको होमवर्क देते चलूँगी ताकि आपको कुछ एक कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन गैप ना हो, आप अटेंटिवली पार्टिसिपेट कर पाओ. ठीक है, पूरे लेक्चर्स में. नाउ, अब आप क्वेश्चन पेपर क्यों करना चाहते हो और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये समझ लीजिए. क्योंकि समटाइम्स जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हम सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं कि क्यों ज़रूरी है ये. तो मैं 2-4 पॉइंट्स आपको बताती हूँ, जैसे आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझने में आसानी होगी. सबसे पहले जो समझनी होती है ना, वो एग्ज़ाम पैटर्न ही होती है. जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू हैव टू नो द एग्ज़ाम पैटर्न. प्रीवियस ईयर पेपर जो है एग्ज़ाम पैटर्न समझने में आपकी बहुत हेल्प करती है. दूसरा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने में हेल्प करती है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. तो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिश से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाती है. ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन पूछी जाती है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप कितने तैयार हैं ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स बताएगी. जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते हो ना, जब आप सॉल्व करते हो, तो आपको पता चलता है कि मैंने कितनी तैयारी की है, मुझे और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है. ठीक है, दूसरी जो यहाँ पे है, एक जैसे आप थ्योरी पढ़ते हो और एप्लीकेशन, थ्योरी एंड एप्लीकेशन में फ़र्क होता है. आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत सारे कंटेंट आपने पढ़े हैं, बट आप एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, सो देयर इज़ नो यूज़. तो आप जब क्वेश्चंस करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो, एक पैटर्न फॉलो करते हो, तो आपको ये जो दोनों के बीच की जो गैप होती है ना, वो सॉल्व होती है. ठीक है, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस. ऑफकोर्स आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कवर करोगे, क्वेश्चन करोगे, आपको लगेगा अच्छा मैं ये तो कवर कर पा रहा हूँ. ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप नेट पहली बार दे रहे हैं या फिर 2-3 बार आपने अटैम्प्ट किया है, तो भी आप किसी तरह के भी स्टूडेंट हों, तो भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको कवर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये मेरा पहला लेक्चर है. आप पूरे, जैसा मैंने बोला कि आप नोट पैड और पेन लेके बैठिए, मैं होमवर्क दूंगी, आपको नोट डाउन करना है, ट्रिक्स भी मैं बताऊंगी जो आपको नोट डाउन करना है. ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक पोएम दी गई है, पोएम की लाइन दी गई है और आपसे पूछा गया है कि ये किस पोएम का लाइन है. ठीक है, तो दो तीन चीज़ मैं आपको बता दूं. आपको जितने भी पोएम्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पोएम जब आप देखते होगे, इससे क्वेश्चन पूछी गई है, तो आपको पोएम्स के फर्स्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट फ्यू लाइंस आपको याद रखनी है. सेकंड आपको याद रखनी है लास्ट लाइन. ठीक है, अगर पोएम बहुत फेमस है तो आपको फेमस लाइंस उसके याद रखने हैं. क्या रखने हैं, 3 चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट, लास्ट और फेमस लाइंस याद रखनी है. जैसे कि एब्सोल्यूम एंड एक्विटिफुल बहुत बड़ी पोएम है, तो आपको इसके फेमस लाइंस भी याद रखनी है. आपको मैं कुछ पोएम्स के लाइन दिखाऊंगी जो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुके हैं. ठीक है, अब आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट एंड एक्विटिफुल तो ठीक है, ये मैं करवा दूंगी. बाकी आपको क्या करना है होमवर्क के लिए, आपको ये तीनों जो ऑप्शंस हैं उसके फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन करनी है. एकदम कंठस्थ होनी चाहिए आपको, एकदम कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, वेट नाउ, ये जो फर्स्ट लाइन है देखिए, एब्सोल्यूट एंड एक्विटिफुल का है. ठीक है, अब आप और एक चीज़ समझ लीजिए कि 2-3 चीज़ें जो है एब्सोल्यूट एंड एक्विटिफुल का इज़राइल के बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन हुआ है. ठीक है, तो आप लाइंस कहाँ से समझेंगे इज़राइल, तो आप ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली चूज़ कर सकते हैं एप्सिलॉन एक्विटिफुल. इसके अलावा एप्सिलॉन एंड एक्विटिफुल जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तो इस पे और भी क्वेश्चंस आते हैं. जैसे कि मैं बताती हूँ, इट वॉज़ पब्लिश इन 1681. ठीक है, ये इसकी जो पूरी जो लाइन है, टोटल जो लाइंस है 1031 लाइंस है. ठीक है, जॉन ड्राइडन ने लिखी है, जो कि खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेट. ठीक है,
ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। जो भी मैं बता रही हूँ सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये एक सटायरिकल पोएम है बट एक पॉलिटिकल सटायर है, पॉलिटिकली एक सटायर करता है, ठीक है। पॉपिश प्लॉट के बारे में बात कर रहा है ये वर्क, ठीक है। तो पॉपिश प्लॉट क्या होता है? पॉपिश प्लॉट बेसिकली होता है कि चार्ल्स द सेकेंड को के एसिसिनेशन के बारे में एक प्लॉट, मतलब उन्होंने एक जाल बिछाया था, ठीक है, ताकि वो ड्यूक ऑफ यॉर्क को, मतलब चार्ल्स द सेकेंड के बाद ड्यूक ऑफ यॉर्क को वो गद्दी पे बिठा सके, ठीक है। तो ये एक पॉपिश प्लॉट उसे कहते हैं। तो एब्सलम एंड अकेटेफल में ये चीज़ का भी मेंशन है। दूसरी जो चीज़ है, यहाँ जो सबटाइटल है, आपको सबटाइटल याद रखने हैं। एब्सलम एंड अकेटेफल का जो सबटाइटल है वो है अ पोएम, ठीक है। थीम, आपको सारे पोएम्स के थीम, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं, आपको थीम याद रखनी है। जैसे टेम्पटेशन, सिन, फॉल एंड पनिशमेंट। जैसे आप किसी चीज़ से टेम्प्टेड हुए, आपने पाप किया, देन आपका डाउनफॉल हो रहा है, फिर आपको पनिशमेंट मिल रही है टू रेज। यहाँ पे बिब्लिकल टेल, इट्स अ बिब्लिकल टेल। बिब्लिकल टेल क्या होता है? जो बाइबल से ली गई हो, ठीक है। बिब्लिकल टेल, ये बेसिकली ये जो पोएम है ये बात करती है एब्सलम के रिबेलियन के बारे में। वो रिबेल करता है अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट किंग डेविड। लेकिन जो अंत लास्ट में जो आप देखेंगे यहाँ पे एब्सलम एंड डेविड के बीच में रिकनसाइलमेंट आप देख पाएंगे, ठीक है। तो एंड कैसे हुआ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने एब्सलम एंड अकेटेफल कवर किया है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको कवर करनी है, सारे रिवाइज करनी है, ठीक है। मैंने जैसे बोला था कि कुछ फेमस पोएम्स होते हैं, फेमस लाइंस होते हैं जो आपको करनी है। जैसे एब्सलम एंड अकेटेफल के कुछ फेमस पोएम्स हैं, लाइंस हैं। ग्रेट विथ्स आर श्योर टू माइडनेस नियर अलाइड एंड थिन पार्टीशंस डू देयर बाउंस डिवाइड। दूसरी, नाउ स्टॉप योर नोजेस रीडर्स ऑल एंड सम फॉर हियर्स अ टन ऑफ मिडनाइट वर्क टू कम। ओग फ्रॉम अ ट्रेजेंट हेवन रोलिंग होम राउंड एज अ ग्लोव एंड लिकर्ड एवरी चिंक ग्लूडली Goodly and great he rails behind his link, ठीक है। देखिए यहाँ पे readers का mention है, reader को वो बोल रहे हैं directly। तो यहाँ पे जो prologue है इस poem का, वहाँ पे reader को direct बोला जा रहा है, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। Now second question है, which of the following poem is written by Oliver Goldsmith? ओलिवर गोल्डस्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। इसके बहुत सारे वर्क्स आपको डीपली पढ़ने होंगे, कुछ फेमस पोएम्स हैं आपको पढ़ने हैं। नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा, जो ओलिवर, मतलब इसमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा पोएम ओलिवर गोल्डस्मिथ का है। पर देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। और डिजर्टेड विलेज, और डिजर्टेड विला, द डिजर्टेड विलेज, अ डिजर्टेड सिटी। आप अगर बहुत अच्छे से नाम को नहीं पढ़ रहे हैं, जो टाइटल है, जो वर्क का टाइटल आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे जाके जानते हुए भी आंसर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि पूरा टाइटल क्या था, ठीक है। इसके अलावा कुछ ओलिवर गोल्डस्मिथ के वर्क्स हैं जो आपको करनी है एज अ होमवर्क, ठीक है। आप उसे पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए। नाउ ट्रिब्यूट टू पापा इज अ बुक ऑफ पोएम्स रिटन बाय, तो ये रिटन लिखी गई है ममता खलिया से के द्वारा, ठीक है। ये बेसिकली वुमेन के सफरिंग के बारे में बताती है, मेल डोमिनेंस के बारे में बताती है, जो कि पूरे वुमेन के लाइफ में चल रही होती है, ठीक है। तो ट्रिब्यूट टू पापा इज़ अ वर्क रिटन बाय ममता खलिया, ठीक है। ये एक इंडियन राइटर हैं जो कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ हर इज़ इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। एक हो गया कमला दास, आपको पढ़ना है, सुनीति नाम जोशी आपको पढ़ना है। ये सारे जो हैं इम्पोर्टेंट इंडियन राइटर्स हैं, आपको इसे पढ़ना है। कम से कम आप राइट जो इनके वर्क्स हैं वो आपको करने ही हैं, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? ग्रेट। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट इट टॉक्स अबाउट द मेन डोमिनेंस ओवर वुमेन इन ऑल मैटर्स ऑफ लाइफ। ये बेसिकली हार्डशिप, सफरिंग के बारे में बताती है। दूसरी, फोर्थ जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय सिल्विया प्लैथ।
तो इसका मतलब है कि आपको सारे क्वेश्चंस देख के ये समझनी ज़रूरी है कि कौन से राइटर पे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिल्विया प्लाथ पे आपको वर्क्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है, कौन सा वर्क लिखा गया है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से वर्क्स उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, सिल्विया प्लाथ एक अमेरिकन राइटर हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी राइटर भी हैं फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव ऑफ नेट। ठीक है, तो इनके वर्क्स हैं जैसे लेडी लजारस, एरियल, डैडी। इसके अलावा जो है टू एरियल नहीं है। देखिए आपको कंफ्यूज कैसे करता है क्वेश्चन, क्वेश्चन टू एरियल। आपको जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो टू एरियल एरियल जो है मोर ऑफन आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एरियल इनका टाइटल है वर्क का। इसके अलावा बेल्जार एक वर्क है इनका। ठीक है, मैं और कवर कर देती हूँ। देखिए वेट, जैसे डैडी वी हैव ऑलरेडी कवर, लेडी लजारस, यू आर मॉर्निंग सॉन्ग, इस पर क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आए हैं एज आई नो, लेकिन फिर भी आप इसे याद रखिए। एज एक वर्क है, कट एक वर्क है, एरियल है। आप यहाँ पर जैसे द बेल्जार है ना, तो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं अ बेल्जार, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसीलिए आप बार बार टाइटल को रिवाइज कीजिए। द कॉलरस, द कॉलोसस एक पोइट्री कलेक्शन है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं एज अ होमवर्क। नाउ रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट बर्न्स एक एनलाइटनमेंट एज के राइटर हैं। ठीक है, एनलाइटनमेंट एज के राइटर हैं। बहुत सारे मतलब कि और भी राइटर हैं जो एनलाइटनमेंट के एज के हैं। ये एलोवे में इनका जन्म हुआ, एज आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, जो कि स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड में एक प्लेस है जहाँ पे इनका जन्म हुआ है, तो स्कॉटलैंड इज़ द करेक्ट आंसर। ना जब आप रॉबर्ट बर्न्स के बारे में बात करोगे ना, तो रूरल लाइफ के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, इसके इनके वर्क्स भी हैं जो हम करेंगे क्वेश्चंस जब पूछे जाएंगे तब। ठीक है, सिक्स, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स पर्सनिफाइज नेसेसिटी इन पी वी शैलेस प्रोमीथियस अनबाउंड। अब मैं बता दूँ, प्रोमीथियस अनबाउंड जो है एक बहुत लंबी पोएम है, तो आपको इसके थीम करने हैं। ठीक है, आपको इसके कैरेक्टर स्केच, जो मेन मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसा कि इन्होंने पर्सनिफिकेशन पे क्वेश्चन किया है, तो आपको पर्सनिफिकेशन जो जो कैरेक्टर जो है क्या पर्सनिफाई कर रहा है वो आपको करना है। इसका ईयर करना है, ठीक है, जो कि 1820 में पब्लिश की गई है ये वर्क। ठीक है, प्रोमीथियस अनबाउंड पी वी शैले ने लिखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेसेसिटी को जो पर्सनिफाई कर रहा है वो डेमोगोगन है। ठीक है, उसके अलावा ये सारे कैरेक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है, इसी के कैरेक्टर्स हैं इसी पोएम के। प्रोमीथियस हो गया, जॉब हो गया, ज्यूज हो गया। ग्रेट, नाउ लेट्स जंप इनटू द अदर वन। ठीक है, अब देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आफ्टर वॉचिंग द परफॉर्मेंस ऑफ विलियम शेक्सपियर प्लेस अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम ऑब्जर्व दैट इट इज नॉट, इट इज़ द मोस्ट इंसिपिड रिड्यूक्लस प्ले दैट आई एवर सॉ इन माई लाइफ। नाउ अब आप ये समझिए कि जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं या इम्पोर्टेंट जो राइटर्स हैं, उनके सिर्फ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको उन सारे वर्क्स राइटर्स के नाम पता होने चाहिए जिन्होंने उन पे नेगेटिव क्रिटिसिज्म किया है, एज लॉन्ग एज द पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देयर इज देयर। ठीक है, आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। तो सैमुअल पेपीज ने कवर किया है, जो कि डायरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, डायरी के लिए फेमस हैं। इन्होंने अपने वर्क्स में ग्रेट फायर ऑफ लंदन के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, ग्रेट प्लेग के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, जो कि आपको जाननी चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, सैमुअल पेपीज, सो सैमुअल पेपीज इज द करेक्ट वन आंसर। अब नेम द प्ले राइट हु रॉट द प्ले एपिसीन और द साइलेंट वुमेन। ऑप्शंस है विलियम कॉन्ग्रीव, थॉमस कीर, थॉमस फोक्यूहार। सबसे जो मेन, ये तो करेक्ट आंसर है ही, एज यू कैन सी बेन जॉनसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं जैकोबियन पीरियड के। ठीक है, जब आप जैकोबियन पीरियड पढ़ोगे ना, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके फेमस वर्क से पूछे जाते हैं, बहुत सारे इनके वर्क्स हैं, जैसे एल्केमिस्ट हो गया, वॉलपेन हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्क्स हैं, जैसे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये सारे। तो एपिसीन जो है और द साइलेंट वुमेन जो इनका सबटाइटल है, ये बेन जॉनसन ने लिखी है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्क्स करा देती हूँ, जैसे फर्स्ट है अ टेल ऑफ अ टब, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, सिंथियाज रेबल्स, प्रोटेस्टर, वॉलपोन, बाथलोमियो
द एलकेमिस्ट, ये आपने वर्क्स किया। उसके अलावा आपको क्रोनोलॉजी में ध्यान रखना है, जब भी आप बड़े बड़े राइटर्स के क्रोनो वर्क्स करते हो ना, तो आपको एक क्रोनोलॉजिकल पैटर्न में ही लिखनी है, ताकि आपको चीज़ें याद करने में दिक्कत ही ना हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा अगर आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं मेजर मेजर राइटर्स के वर्क्स पे, ठीक है। नाउ अभिजनन शकुंतलम मेक्स यूज़ ऑफ द फॉलोइंग फोर लैंग्वेजेस, कौन कौन से लैंग्वेजेस के यूज़ करता है ये वर्क, ये आपको बताना है। अभिजनन शकुंतलम जो है कालिदास ने लिखा है, इंडियन लिटरेचर में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है जो आपको पढ़नी है, इसके कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट है। अब फोर लैंग्वेजेस जो इन्होंने यूज़ किया है वो ये है, संस्कृत, सौराशेनी, महाराष्ट्री और मगधी। आप याद कर लीजिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको सिर्फ आपको याद करना है। नाउ चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेराइट्स कंट्रीब्यूटेड टू द मूवमेंट कॉल्ड किचन सिंक ड्रामा। सबसे पहले जो किचन सिंक ड्रामा का प्ले में जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना, वो जॉन ऑसबर्न के द्वारा रहा है, क्योंकि इन्होंने लुक बैक इन एंगर लिखा था, इसमें इन्होंने ये किचन सिंक ड्रामा को यूज़ किया है, जहाँ पे दो कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली, मुझे लगता है। आई एक्सप्लेन दैट टू यू ऑल्सो। सो ये सारे जो वर्क्स राइटर्स हैं ये इंक्लूडेड हैं, ये इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। आर्नोल्ड वेस्कर हो गए, सिलाक डेलेने हो गए एंड जॉन एडन, ये सारे राइटर्स, ठीक है। किचन सिंक ड्रामा बेसिकली लोगों से अपील करता है कि आप रियलिटी देखें, ठीक है, इल्यूजन में ना पड़े, रियलिटी देखें। डिटेल में मैं बता देती हूँ, सबसे पहले जो आया है ना, ये पेंटर्स को डिस्क्राइब करने के लिए आया था। किसके द्वारा आया था? डेविड सिल्वेस्टर के द्वारा। सबसे पहले विजुअल आर्ट्स में यूज़ हुआ है ये चीज़। ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। 1950s, लेट 1950s में एंड अर्ली 1960s में ये मूवमेंट देखी गई है, जो कि ये डेट इम्पॉर्टेंट होता है। थिएटर्स में, आर्ट में, नॉवेल्स में, फिल्म में, टेलीविजन प्लेज, जितने भी वर्क्स थे ना, जितने भी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग टेक्निक्स थे, सब में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, इसका असर मिलेगा, ठीक है। दूसरी जो है यहाँ पे देखिए, मैंने जैसा कहा था कि टू कैरेक्टर्स डील करता है, दो कैरेक्टर पे फोकस की जाती है। रियलिटी जो है कंटेम्प्रेरी, मतलब क्या होता है कंटेम्प्रेरी, मतलब जिस एज में आप रह रहे हो उस एज, उस टाइम पीरियड को कहते हैं, ठीक है, कंटेम्प्रेरी लाइफ। एंड इसके रियलिटीज़ को देखने के लिए अपील की गई है। ये इन इंग्लैंड इन द मिड 90s में आया है, ऑफकोर्स मिड 90s ये है रहा, ठीक है। तो आपको इतनी जाननी ज़रूरी है, आपको दो चीज़ याद रखने बहुत ज़रूरी है, ये जो राइटर्स जो एसोसिएटेड हैं, और दूसरी क्या, किस टाइम पे आई है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। नाउ चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेस विच मेड सिग्निफिकेंट यूज ऑफ एक्सप्रेसनिस्टिक टेक्निक्स। एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक्स क्या होता है? बेसिकली हर चीज़ हम ऑब्जेक्टिव में देखना पसंद करते हैं जब भी हम साइंस की बात करें, बट एक्सप्रेशनिस्टिक क्या होता है, यहाँ पे आप सब्जेक्टिव अप्रोच लेके चलते हो, आप इमोशंस लेके चलते हो, उस तरह की टेक्निक को हम एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वर्क्स इसके अंडर आते हैं, बहुत सारे प्लेज इसके अंडर आते हैं, जैसे द हेरी एप आता है जो कि यूगिन ओ नील के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये भी वर्क जो है द एम्परर जोन्स, यूगेन ई नील के द्वारा लिखी गई है। दूसरी जो है रैपिड ट्रांजिट, जो कि है लैजर्स एग्री के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। द एडिंग मशीन किसके द्वारा लिखी गई है? द एडिंग मशीन एल्मर राइस के द्वारा। ऑफकोर्स इट साउंड लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल राइस, बट यस इट्स It is the name. Now, apart from Bertolt Brecht, others who have influenced epic theater are. तब epic theater क्या है? पहले आप समझिए. Epic theater basically एक तरह का new political drama है. New political drama है, ठीक है? लोगों को ये समझाने की कोशिश हो रही थी कि आप reality को देखिए, illusion में किसी तरह का आप नहीं होने चाहिए, किसी तरह के इल्यूजन में आप नहीं होने चाहिए, ठीक है। न्यू पॉलिटिकल ड्रामास, इससे बहुत सारे राइटर्स एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो बर्टोल्ड ब्रेच्ट को
इसका पायोनियर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अरविन पिशकैटर एंड मैक्स रीनहार्ट, ये करेक्ट आंसर, ये दोनों राइटर्स तो एसोसिएटेड थे ही। इसके अलावा और भी राइटर्स हैं, जैसे अरविन पिशकैटर मैंने कवर किया, फ्रेडरिक डुरानमेट, वॉटर ब्रेथ एज ए टोल्ड यू, सेवोलॉड मेयरहोल्ड, व्लादिमार मायाकोव्स्की, आई एम सो सॉरी इट्स अ रशियन नेम सो इट्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ एपिक थिएटर, थिएट्रिकल मूवमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू पॉलिटिकल ड्रामास क्रिएट होती है और अर्ली मिड 20th सेंचुरी में आया है और इनकरेज करती है ऑडियंस को कि रियलिटी देखिए, इल्यूजन में मत जाइए, ठीक है। नाउ 23rd, द थियोलॉजिकल रिटायर्ड इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी वॉज रिटन बाय, नाउ इट वॉज रिटन बाय रिचर्ड हुकर, ठीक है, रिचर्ड हुकर के द्वारा लिखी गई है, बस आप ये याद रखिए। दूसरी जो चीज़ मैं बता देती हूँ, फ्रांसिस बेकन बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इनको आपको बहुत डीपली कवर करना है। हम क्वेश्चन से कवर करेंगे बट आप अगर अलग से नोट्स लेके कवर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। रिचर्ड हकलीवुड के भी कुछ छोटे मोटे माइनर कैरेक्टर हैं, माइनर राइटर हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके भी हैं जो नेट परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफेल हॉलंशेड जो है एक तरह का क्रॉनिकल है और मतलब क्रॉनिकल्स के लिए बहुत फेमस है। शेक्सपियर के वर्क्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा, ठीक है, किसके वर्क्स में, शेक्सपियर के वर्क्स में, ठीक है। नाउ हु रॉट द पॉपुलर इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर फिशरमैन टाइटल द कंप्लीट एंगलर और द कंटेम्पलेटिंग मैंस रिक्रिएशन। कभी भी आप एक वर्क का अगर एक वर्क के साथ एक्स्ट्रा सबटाइटल लिखा हो ना तो आपको सबटाइटल याद रखनी है, ठीक है, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फिशरमैन की बात हो रही है, फिशिंग की बात हो रही है, फिशरमैन फिशिंग किसी चीज़ के भी बात हो रही है ना, तो आप इज़ाक वॉल्टन को ज़रूर से कंसिडर करोगे, क्योंकि इज़ाक वॉल्टन फिशिंग के बारे में बहुत बात करते हैं। जॉन डन से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, ठीक है, जॉन डन से उनकी दोस्ती है। जेरेमी टेलर ये जो है छोटे से राइटर हैं, माइनर राइटर हैं, बट इनके कुछ वर्क्स हैं जो बायोग्राफीज हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कंप्लीट एंगलर जो है बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है इनका, ठीक है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड बैक्स्टर, थॉमस हॉब्स, ये सारे राइटर्स हम कवर करेंगे जैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। द वर्क्स ऑफ इज़ाक वॉल्टन, द कंप्लीट एंगलर, वॉल्टन्स लाइव्स, द लाइफ ऑफ डॉक्टर जॉन, मैंने बोला था कुछ बायोग्राफीज इन्होंने लिखी है, जैसे रिचर्ड हुकर पे इन्होंने बायोग्राफी लिखी है, इंपॉर्टेंट है समझिए, जॉर्ज हर्बर्ट पे लिखी है, डॉक्टर सैंडरसन पे लिखी है, सारी जो चीज़ें मैंने बताई है सारी चीज़ें आपको करनी है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप लास्ट क्वेश्चन से समझिए, मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में लिटरेरी क्रिटिक क्रिटिसिज्म तो आप समझ ही रहे हैं क्योंकि हमारा एक यूनिट है वो सिलेबस में, UGC नेट फॉर इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस में, ठीक है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने कल्चर एंड एनार्की लिखा है, ठीक है, जो कि पब्लिश हुआ है 1869 में, ठीक है। कल्चर एंड एनार्की वॉज पब्लिश इन 1869। हेब्रेज़म जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने दिया है इसमें, इसी वर्क में। इसके अलावा इन्होंने आर्किटेक्टोनिक जो कॉन्सेप्ट है उस वो भी दिया है। उसके बाद इस इन्होंने हेलेनिज्म का भी कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, एक तरह का कंपैरिजन आप देख सकते हैं हेब्रिज्म एंड हेलेनिज्म में, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि जो टर्म है क्या रेफर करता है, क्या इम्प्लाई करता है, तो मॉरल एजुकेशन इम्प्लाई करता है, ये जो टर्म है मॉरल एजुकेशन इम्प्लाई करता है। हेब्रिज्म बेसिकली हिब्रू ज्यूश पीपल से बहुत ज़्यादा प्रभावित होके बनी है, ठीक है, और हेलेनिज्म ग्रीक, जो ग्रीस के लोग थे ना, एंशियंट ग्रीस के जो लोग थे उनसे प्रभावित होके बनी है। मैं डिटेल में थोड़ा कवर कर देती हूँ। जैसे हेब्रिज्म जो है एक मॉरल एंड रिलीजियस एलिमेंट जो कल्चर का होता है वो रिप्रेजेंट करता है। मैंने जैसे बताया कि हिब्रियो और ज्यूइश ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है ये। स्ट्रिक्ट मॉरल कोड होते हैं ना, जैसे स्ट्रिक्ट मॉरल कोड हो गया, सेंस ऑफ ड्यूटी हो गया, अ फोकस ऑन ओबीडियंस टू डिवाइन लॉज, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करना, ये सारी चीज़ें, मॉरल ऑर्डर, हायर मॉरल ऑर्डर, ये सारी चीज़ें। देन हेलेनिज्म हो गया, जब आप एंशियंट ग्रीस के बारे में बात करते हो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर बात करते हो, ये क्रिएटिविटी के बारे में बात करता है। हेलेनिज्म बेसिकली आप कोई भी चीज़ देखते हो आप क्वेश्चन करते हो,
ठीक है। हेब्रिज्म इन शॉर्ट, आप कोई भी चीज़ करते हो आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, आप मॉरल कोड्स जो हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी जो है सब एक्सेप्ट करते हो, क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल चीज़ें जो हैं आप क्वेश्चन करते हैं, कल्टिवेशन ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस, ये सारी चीज़ों के बारे में बात होती है, जैसे लिटरेचर क्रिएटिविटी होल्ड करता है, फिलॉसफी, आर्ट, इवन फिजिकल फिटनेस, ठीक है, हेलेनिज्म में आती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आर्किटेक्टोनिक्स हम पढ़ेंगे जब क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, कितने क्वेश्चन किए हैं, वी हैव कवर्ड 15 क्वेश्चन, विल कवर 90 क्वेश्चंस, बिकॉज कुछ पैसेजेस के क्वेश्चंस होंगे तो वो हमें नहीं करने हैं, वो हम सेपरेट वीडियोज़ में करेंगे। प्रोज के होंगे कुछ क्वेश्चन और एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे कुछ, ठीक है, जो कि हम सेपरेट वीडियोज़ में करेंगे। फिलहाल के लिए आप 15 पे फोकस कीजिए, जो भी मैंने होमवर्क आपको दिया है, जैसा मैंने बोला था आप नोट पैड रखिए, आप चीज़ें नोट करिए करिए जैसे जैसे मैंने चीज़ें बताई है, होमवर्क आप करके आएंगे। और आप अगर अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस पे पूरी तरह से अटेंटिव रहिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इवन इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट और नेट की प्रिपरेशन आप पहली बार दे रहे हैं तो भी, ठीक है,